अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। यूपी के फतेहपुर जिले में बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एसडीएम खुद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिखकर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। मेरे द्वारा मनुपुर विद्यालय का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, विशेषकर जैसे MDM की योजना है और लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, टीचरों को ट्रेन किया जा रहा है, उसी के तहत एक निरीक्षण किया गया था। तो मैंने MDM का भोजन बच्चों के साथ ही चखा, देखा वो क्वालिटी कैसी है, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। सरकार की ये प्राथमिकता भी है MDM के माध्यम से। और दूसरी ओर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको भी परखा, कुछ बच्चों से सवाल किए थे, उन बच्चों की काफ़ी उत्सुकताएँ थी, जानना चाह रहे थे किस प्रकार के कार्य होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो उनके इन सवालों को देखते हुए लगा कि कुछ अपने अनुभव साझा किए जाए। तो उसी आधार पर कुछ उनके साथ थोड़ा अध्यापन कार्य भी मैंने किया, उनको थोड़ा बहुत अपने अनुभव शेयर किए, उनको बताया, उनको पढ़ाया। तो विद्यालय में विशेष प्रकार की जो वहाँ की व्यवस्थाएँ हैं वो तो ठीक है, और MDM का खाना भी गुणवत्तापूर्ण है। इस प्रकार के निरीक्षण के माध्यम से जो है वो लगातार आसपास के विद्यालयों में एक संकेत जाता रहता है और विद्यालयों को भी प्रोत्साहन मिलता है अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि वो लगातार अच्छा कार्य करें। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।